और एक चीज़ उनका जो अंदाजा है, एक्सपीरियंस है, पाइप हमेशा इसी जगह पर अटक जाता है और रस्सी उतनी ही ढीली कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेलर है और ट्रेलर पे आई है ह्यूम पाइप आए हैं। ये 900 mm डाया के हैं और ये 6 पाइप आए हैं। आज हम करने वाले इनको अनलोड। तो आज की वीडियो रहने वाली कुछ स्पेशल, क्योंकि उसमें बताएंगे ये जो पाइप हैं बिना किसी हाइड्रा या बिना किसी एक्सकेवेटर JCB के हम कैसे अनलोड करते हैं। ये जो पाइप देख रहे हैं, इसमें ये जो रस्सी से इन्होंने जो बांध रखा है, उनकी जो टेक्निक है, आज वो टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये हर जगह इस टाइप का रैम वैम नहीं बना हुआ, पाइप डायरेक्ट ये टायर रखे हुए हैं इसके ऊपर, टायरों के ऊपर डालेंगे और सीधे एक के बाद एक अनलोड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग ये पाइप इसलिए अनलोड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता है, ये यहाँ पर जंक्शन बनने वाला है, माइनर जंक्शन है ये, गाँव का रोड है। तो वहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इसके रास्ते में ये पाइप देने, उसके बाद फिर इसका होगा, इसमें हमको जंक्शन बनाएंगे, वो भी हम GSBWM वगैरह करके कंप्लीट करके DBM करेंगे, फिर उसके बाद BC करेंगे। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर हम पाइप डालेंगे, तो उसी लिए हम लोग ये पाइप अनलोड करने वाले हैं। तो इस टाइप की हमारे पास दो गाड़ियाँ आई हैं, एक तो ये खड़ी है, एक हमने अगले लोकेशन पर खड़ी करी है। ऐसे 12 पाइप आए हैं, तो तीन लोकेशन पर हम लोगों को चार पाइप खाली करने हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इनको अनलोड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें अनलोड करने के लिए ये जो टायर हैं, टायर इसके जो ट्रेलर के नीचे लगा लेंगे यहाँ पे, जिसके ऊपर ये पाइप गिरेगा। टायर के ऊपर पाइप गिरेगा तो पाइप क्रैक नहीं होगा ना फूटेगा, और पाइप एकदम ढलान है तो लुढ़क भी सकता है, तो लुढ़कने के लिए ज़्यादा दूर ना जाए इसके लिए इस टाइप के पत्थर इन भाई साहब ने लगा दिए हैं। उनको रोज़ का अनुभव है कैसे इन पाइपों को अनलोड करते हैं, तो ज़्यादा दूर तक ये लुढ़के ना, इसलिए पाइप पत्थर लगा दिए हैं। अभी कर रहे हैं इसे टायर अनलोड। दोस्तों ये जो टायर हैं उनको एक के ऊपर एक यहाँ पे ऐसा लगा दिए हैं, जमा दिए हैं। अब खोलने वाले हैं इसकी रस्सी। पाइप क्या है, सबसे पहले इन टायरों के ऊपर आएगा और टायरों से फिर ये इसके बाद एक करके नीचे होते हुए निकल जाएगा, अनलोड हो जाएगा। अभी भाई साहब खोल रहे हैं इसकी रस्सी और मैं आपको पास से दिखाता हूँ। एक साइड की रस्सी खोल दिए, दूसरी साइड की और खोलते हैं, फिर देखते हैं कैसे स्टार्ट से होगा। चलो भाई साहब ने खोल दी रस्सी। तो पाइपों में ये देखो पत्थरों से ये ओट लगा रखी है, उन्होंने रस्सी एक साइड से खोल दी है और अब ये एक एक पाइप को धक्का देंगे पत्थर निकाल निकाल के, और ये रस्सी ऊपर से ये देखो जुगाड़ करके यहाँ पे टाइट करते हैं, जिससे ये एकदम आगे ना भागे, पाइप आगे ना भागे, धीरे धीरे इजीली उतर जाए। यहाँ पर इन्होंने कर दी दोनों साइड में रस्सी टाइट, एक साइड दिखाता हूँ, दूसरी साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका दूसरा साइड इधर भी कर दी भाई साहब ने रस्सी टाइट एकदम, अब ऊपर केवल एक पाइप ही निकलेगा, इतनी ही जगह है उसमें। अब मैं दिखाता हूँ आपको पास से, अब देखिए पाइप आ गया, इसमें टंग गया है। अब वहाँ से रस्सी ढीली ढीली हल्की हल्की ढीली कर देंगे तो ये पाइप आ जाएगा एकदम नीचे। ये देखो जुगाड़, भाई हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ है। ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह क्रेन मिले, हाइड्रा मिले, जैसे भी मिले, क्योंकि पाइप का वेट बहुत रहेगा, काफ़ी हैवी पाइप है। अब इसको रस्सी निकाल के सीधे अनलोड कर दिया जाएगा धीरे से। ये आ गया, चलिए पहला पाइप हो गया अनलोड, अभी करते हैं दूसरा वाला। अभी दोस्तों भैया ने फिर से कर दी रस्सी हल्की सी टाइट, जितनी ज़रूरत है कि पाइप यहाँ पे अटक जाए। उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखो
ये जो ओट लगी थी वो निकाल दी है और फिर से निकालेंगे, अभी देखना आप। उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। मैंने उससे बात भी की कि इस टाइप से कभी फूटते तो नहीं, तो बोल रहे नहीं, फूटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि एक बार वजन आता है वो सीधे टायरों पे, टायरों के बाद सीधे मिट्टी में अनलोड कर देते हैं इनको। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल और रखिए आप लोग, जब भी ऐसा अनलोड होगा तो जैसे अभी भाई ने फिर से ये ओट लगा दी पत्थर की, पाइप एक दूसरे टकरा है ना, कभी कभी स्पीड से ज़ोर से टकरा जाते तो क्रैक हो जाते, तो उसका ध्यान ज़रूर रखें आप लोग। चलिए अब निकालते हैं दूसरा पाइप का। इस टाइप से सब्बल लगा के इसकी जो ओट है ना आप इजीली निकाल सकते हो। और अब करते हैं अपन दूसरा पाइप अनलोड। देखो अंदाजा भी उनको एकदम फिक्स है, पाइप यहीं पे अटकाना उनको। रस्सी भी काफ़ी मजबूत है, पाइप का अच्छे से वेट ले लेती पूरा। अब ये देखिए धीरे धीरे रस्सी ढीली कर रहे हैं, पाइप आ गया अच्छे से किसके ऊपर, टायरों के ऊपर। अब कर देंगे रस्सी एकदम लूज और पाइप आ जाएगा सीधे यहाँ पे नीचे। टेक्निक बहुत प्यारी है दोस्तों, ये जुगाड़ कहो टेक्निक कहो जो भी कहो, नहीं तो अभी यहाँ पर एक हाइड्रा लाना पड़ता, 2-4-5 हज़ार रुपये ईजीली ले लेता चार पाइप अनलोड करने के लिए। ये देखिए ये चलिए हो गया दूसरा पाइप भी अनलोड। तो अगला पाइप अनलोड करने से पहले वापस से रस्सी को टाइट कर देंगे, टायर एक बार फिर से अच्छे से जमा देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर टायर अनलोड किया था तो ये खिसक गया था थोड़ा, माफ़ कीजिएगा, पाइप अनलोड किया था तो खिसक गया था। देखो ये अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया अपना, रस्सी कर देंगे भाई साहब टाइट। दो आदमी कितने इजीली उतार रहे हैं पाइप, ये कमाल की चीज़ है भाई देखने में, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस और जुगाड़। जुगाड़ कमाल का है दोस्तों, मैं खुद हैरान हूँ इसको जुगाड़ को देख के, जुगाड़ और उनकी टेक्निक। और एक चीज़ उनका जो अंदाजा है एक्सपीरियंस है, पाइप हमेशा इसी जगह पर अटक जाता है, वो रस्सी उतनी ही ढीली कर रहे हैं। चलो यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम लोग चार पाइप अनलोड, तो छः में से दो ये हो गए हैं, एक ये रहा, एक और करेंगे उसके बाद ले चलेंगे इसको अगली लोकेशन पे, तो वहाँ करेंगे। चलिए दोस्तों अभी करते हैं फाइनल और आखिरी वाला पाइप, तीन हमने कर दिया अनलोड, टाइम का करते हैं चौथा वाला। देखना टेक्निक देखना भाई, ये उसकी जगह एकदम फिक्स है, वो वहीं जाके रुकता है, बाकी वहाँ से वो भाई लग कर देंगे अभी थोड़ा सा रस्सी ढीली दोनों तरफ से। ये धीरे धीरे करिए, तो इस लोकेशन पे हो गए हमारे चारों पाइप अनलोड, तीन ये रहे एक ये वाला, अभी लेके चलते हैं इसको अगली लोकेशन में, फिर वहाँ करेंगे। चलिए दोस्तों अभी ये टायर वायर सब हमने लोड कर लिए हैं और इनको वापस से टाइट कर देंगे, कि दो पाइप हैं इनको अगली लोकेशन पे उतारने हैं, चार पाइप हम लोगों ने यहाँ पर अनलोड कर लिए हैं, तो इनको अच्छे से एक बार रस्सी से टाइट कर दीजिए, क्योंकि रस्ते में कहीं निकल ना जाए। चलते दोस्तों अगली लोकेशन पर, मिलते हैं अब अगली लोकेशन पर आपको। चलो दोस्तों चलते हैं अगली लोकेशन पर आगे। Thank you.
रख रहे थे टायर वाली रस्सी। तो दो पाए भी अनलोड कर दिए हमने यहाँ पे, ये वाली गाड़ी के भी, और दो ये वाली गाड़ी खड़ी है इसमें से अनलोड करने। 12 पाए पाए थे दो लोकेशन में, 8 चार चार खाली कर दिए दोनों के, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे टोटल, हो जाएंगे 12 अनलोड हो जाएंगे। इसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। वजन तो बहुत होता भाई जी। चले दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का आखिरी पाइप अनलोड, टोटल 12 पाइप अनलोड कर दिए हमने। निकलते हैं अब यहाँ से। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, होगा यहाँ पे हमारे 4 पाइप अनलोड। धन्यवाद।